जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की। अपहरण की झूठी कहानी बनाने वाला आरोपी पुलिस की हिरासत में पहुंच गया है। पुलिस ने आरोपी महेंद्र शर्मा को बिलासपुर पुलिस में मदद से मोपका क्षेत्र से हिरासत में लिया है। आरोपी महेंद्र शर्मा ने अपने पारिवारिक विवाद और रकम उधार चुकाने वालों की तगादा के परेशान होकर अपने अपहरण की साजिश रचने का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिला के चंदनियापारा क्षेत्र में रहने वाले महेंद्र शर्मा के अपहरण की सूचना के बाद जांजगीर पुलिस हड़कंप मच गया और सूचना के बाद से ही जिले की चार टीम बनाकर आसपास के जिला में नाकेबंदी की गई। साथ ही पुलिस ने युवक का मोबाइल नंबर भी ट्रेस करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक अपहृत महेंद्र शर्मा ने अपने ही मोबाइल से अपने अपहरण और फिरौती की मांग की जानकारी अपनी पत्नी और परिजनों को दी थी और अपने अकाउंट में फिरौती का पैसा डालने को कहा था। मोबाइल लोकेशन में महेंद्र कभी बिलासपुर में तो कभी रायपुर में ट्रेस होने लगा, जिसके कारण जांजगीर पुलिस ने दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर की पुलिस से मदद मांगी थी। लगातार मॉनिटरिंग और मोबाइल लोकेशन पर निगरानी के आधार पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले और महेंद्र का लोकेशन बिलासपुर मोपका में मिला और पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक में सवार युवक को हिरासत में लिया और उसकी पहचान महेंद्र शर्मा के रूप में किया। पुलिस ने अपहरण के इस मामले में महेंद्र से पूछताछ की, जिसमें महेंद्र ने एम फाइनेंस कंपनी का 80,000 रुपये जमा नहीं करने पर ग्राहक का खाता होल्ड होने से उसे खोलने के लिए पैसा जमा करने और अन्य ग्राहकों को 1,60,000 रुपये की गड़बड़ी होना स्वीकार किया और उस राशि को वापस लौटाने के लिए 2,30,000 रुपये की रकम फिरौती में मांगी थी। महेंद्र शर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी से भी कहा सुनी हो रही थी, जिसके कारण उसे सबक सिखाने के लिए अपहरण की झूठी कहानी बनाने की बात स्वीकार किया। मंगलवार से अपहरण हुए युवक की तलाश में चार जिले की पुलिस जुटी हुई थी और बुधवार की रात कथित अपहृत युवक को सही सलामत अपने कब्जा में लिया और मामले में जुटी अपहरण की कहानी गढ़ कर फिरौती मांगने वाले महेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सतीश के साथ विनोगर राजा भाटक से बालेश्वर कश्यप। घटना 5 जुलाई की है, थाना कोतवाली का ये प्रकरण है। प्रार्थिया रिपोर्ट लिखाने थाना है ये, और उन्होंने यह बताया कि 11 बजे के आसपास इसके पति दूध लेने के नाम से निकले हुए थे और काफ़ी समय होने तक वो घर नहीं आए हैं। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट गुम इंसान के लिखाई। उसके बाद उन्होंने थाने में आकर और बताया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके मोबाइल फ़ोन में यह कॉल आया और कॉल में यह बताया गया कि आपका पति का अपहरण किया गया है और इसके बदौलत आपको 2,30,000 के आसपास उन्होंने पैसा की मांग की। मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पे तत्काल SDOP जांजगीर के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमों को संभावित नाकेबंदी किए गई और जो वहाँ पर संभावित जगह थी वहाँ पर उनकी खोजबीन की जा रही थी। इसी पूरे जांच पूरे ऑपरेशन में दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर के क्राइम ब्रांच के भी सहयोग लिया गया है और सभी के सहयोग से फिर हमें लोकेशन मिला 6 तारीख को कि इसकी सूचना मिली है कि अपहृत महेंद्र शर्मा के संबंध में एक जानकारी हमें मिली कि सिपा चौक के पुल के पास इनका लोकेशन मिला। हमने सभी जगहों को नाकेबंदी करके उसको ब्लॉक कर दिया गया और सघनता से जांच की जा रही थी। जांच के दौरान महेंद्र शर्मा को वहां पर सकुशल बरामद किया गया। इस पूरी घटना में उनके साथ बारीकी से पूछताछ और तफ्तीश करने पर यह बात सामने आई कि वह पारिवारिक कारणों से परेशान था और अन्य लोगों से कर्ज भी लिया था, जिनके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी था। पैसा लगने के कारण से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में एक झूठा अपहरण की योजना बनाई ताकि वह जिनसे वह पैसे वे लिए थे उनको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। पूरी टीमों में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के टीम के साथ अपने जांजगीर पुलिस ने इस पर उनको बरामद किया गया। चूँकि इन्होंने प्रकरण में झूठा और फर्जी तरीके से जो अपहरण की योजना बनाई इस पर इनके विरुद्ध अपराध
पंजीबद्ध किया गया है और उसको न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। ये जब पहली बार उसकी पत्नी के पास फोन आया था तो किसी अज्ञात नंबर से आया था या फिर इसके खुद के नंबर से आया था और किसने किया था इनके? यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।